हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कांदे भजे की रेसिपी एकदम होटल स्टाइल में, जैसे आप होटल में एकदम कुरकुरा खाते हैं वैसा ही। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो कांदे को लंबे लंबे शेप में कट कर लेंगे और उसे एक पतीले में ले लेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कांदे में नमक अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें ताकि कांदा पानी छोड़ना शुरू कर दे। तो 10 मिनट के बाद जैसा आप देख रहे हैं हमारा कांदा पानी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें बेसन को ऐड कर देंगे। और इसमें बिना पानी डाले ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बैटर तैयार मिलेगा। आप लोग जब भी अपने घर में भजिया बनाते होंगे कांदे का, तब बेसन में जरूर पानी डालते होंगे। इसकी वजह से आपका भजिया कुरकुर नहीं करता रहेगा। आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप होटल्स वगैरह में खाते होंगे कांदा भजिया, तो उसमें आपको कुरकुरापन महसूस होता रहेगा। आप जाकर घर पर ट्राई करते रहेंगे बट आपको वैसा नहीं मिलता रहेगा। तो आइए, जैसे कि आप पानी डालते रहेंगे बेसन में, और जब जो कि होटल वाले बनाते हैं ना, तो बेसन में बिल्कुल भी पानी नहीं डालते। वो कांदे को काट के नमक डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो कांदा पानी छोड़ता है उसी से बेसन में डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि वो कुरकुरापन रहता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भजिए को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ ही हमने पेश की है धनिया और पुदीने की ग्रीन चटनी। आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी।